इस साल दिवाली को लेकर पूरे देश में एक संशय की स्थिति बनी हुई है, और वो स्थिति ये है कि जो दिवाली है वो 1 नवंबर को मनाई जाए या फिर 31 अक्टूबर को। और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो अमावस्या की तिथि है वो 1 दिन की बजाय 2 दिन पड़ रही है, और इसी कारण से पूरे देश में ये संशय बना हुआ है। और इस संशय पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित दिनेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। पहला सवाल जो ये है वो यही आएगा कि ये जो संशय की स्थिति है 1 और 31 तारीख के बीच में, इस पर थोड़ा सा प्रकाश है। हमारे यहाँ पर कोई भी जब तिथि प्रारंभ होती है जी, तो उसका मान होता है 60 घटी। कई बार ये तिथि 60 घटी से कम हो जाती है और कई बार ये तिथि 60 घटी से आगे बढ़ भी जाती है। कई पर्व तिथियों के हिसाब से चलते हैं और उन तिथियों को हम भारतीय पर्व के नाम से जानते हैं। आप जो भी पर्व कहेंगे अब भारतीय तिथि के हिसाब से, भारतीय पंचांग के हिसाब से चलते हैं। इसलिए तिथि का महत्व अपना एक निजी महत्व है, और तिथि की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति से तिथि का निर्माण होता है, और उस तिथि से ही पर्व का निर्धारण होता है कि कौन सी तिथि को कौन सा पर्व मनाया जाए। ज्योतिष वेदांग है, और ज्योतिष में ये गणना की जाती है कि किस तिथि का समय कितना रहने वाला है, और उस गणना के हिसाब से उस तिथि को हमें क्या करना चाहिए। गणना के पश्चात ज्योतिष के विभाग से यह जो गणना की जाती है, यह गणना धर्मशास्त्र का विषय बन जाती है, और धर्मशास्त्र में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तिथि को हमें क्या कृत्य करने चाहिए, क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, बल्कि इस तिथि को हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए, यह धर्मशास्त्र का विषय होता है। तो इस बार जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, उसका सीधा सीधा कारण है कि यह तिथि 2 दिन 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को आ रही है, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी है जो सूर्योदय कालीन होती है, कुछ तिथियां ऐसी होती है जो मध्याह्न के समय बलवान होती है, और कुछ तिथियां ऐसी होती है जो सूर्यास्त के समय बलवान होती है, जैसे कि अमावस्या। तो शास्त्र का नियम है कि अगर अमावस्या 2 दिनों में प्रदोष के समय रहे तो हमें कौन सी अमावस्या ग्रहण करनी चाहिए। अगर पहले दिन भी ये प्रदोष में रहती है, प्रदोष का तात्पर्य यहां धर्मशास्त्र और ज्योतिष के माध्यम से है, जिस समय सूर्यास्त होता है उसको हम प्रदोष कहते हैं। अमरकोश में बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है प्रदोष को समझाने के लिए, प्रदोषो रजनी मुखम। तो प्रदोष रात्रि के प्रारंभ को कहते हैं। अगर रात्रि के प्रारंभ में अगर अमावस्या रहती है तो हमें किस दिन पर्व मनाना चाहिए, तो दीपावली इस बार 31 अक्टूबर की मनानी चाहिए या 1 नवंबर की मनानी चाहिए। इस विषय को लेकर सस्पेंस यह है कि 31 अक्टूबर की संध्या के समय भी प्रदोष में अमावस्या है और 1 नवंबर को प्रदोष के समय में भी अमावस्या है। तो स्मृतिकार पारस्कर स्मृति, धर्म ग्रंथ, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण इत्यादि कई ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो धर्म का पालन करना हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो वह अमावस्या को लेकर निर्धारण करते हैं, अमावस्या तृतीया च ता उपोस्या परान्विता। अगर अमावस्या 2 दिन रहे और प्रदोष काल में रहे तो हमें पर वाली ही ग्रहण करनी चाहिए। यही नियम तृतीया में भी लगता है और अमावस्या में लगता है। इसी शास्त्र में ही एक वचन साथ में और डाल दिया, भूत विधान कर्तव्य। चतुर्दशी युक्त अमावस्या किसी भी प्रकार से देव यजन में काम में नहीं आती। हाँ, अगर पितृ पूजन करना हो तो आप पहले वाली ले सकते हैं, लेकिन देव पूजन में परा वाली अमावस्या ही लेनी चाहिए। इसी कारण यह अमावस्या 1 नवंबर को आ रही है और यह सूर्यास्त के बाद तक भी चल रही है। इस कारण धर्म शास्त्र के ग्रंथों के हिसाब से और जितने भी धर्म परायण जो लोग हैं वो पंचांग के हिसाब से अगर बात करें तो यह 1 नवंबर को सिद्ध होती है। तो इस हिसाब से अगर एक शब्द में बात की जाए तो दिवाली 1 नवंबर को मनाई जाए या फिर 31 अक्टूबर। अगर एक शब्द में कहा जाए तो दंडैक रजनी एक योग है। अगर लिखा है सूर्यास्त के बाद में 24 मिनट तक भी अगर अमावस्या रहती है तो उसी दिन अमावस्या मनानी चाहिए। इस बार यह अमावस्या 1 नवंबर को 34 या 35 मिनट तक है, इसलिए दीपावली 1 नवंबर को ही मनानी चाहिए। जी, तो आपके हिसाब से अगर बात की जाए तो 1 नवंबर की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुछ विद्वानों की एक बैठक में यह तय किया गया था कि जो दिवाली है वो 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। लेकिन इसमें एक और पॉइंट निकल के आता है कि उनकी खुद की ही एक जो पंचांग है, शायद भोजराज नामक जो पंचांग है, उसके अंदर 1 नवंबर का
लिखा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, हमारे यहाँ पंचांगों की गणित कई प्रकार से की जाती है जी। ग्रह लाघवीय पद्धति, सूर्य सिद्धांत पद्धति, केतकीय पद्धति, दीर्घगणितज्ञ पद्धति, इतनी कई पद्धतियों से पंचांग का निर्माण किया जाता है जी। भारत में जितने भी पंचांग बनते हैं दीर्घगणितज्ञ दृष्टि से पंचांग बनते हैं और यह पंचांग बिल्कुल सटीक है, क्योंकि हम विज्ञान उसे ही कहते हैं जो जांच परख करके और आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, उसे ही विज्ञान कहते हैं जी। जो बिल्कुल सही है, नासा के द्वारा की हुई गणित और हमारे दीर्घगणितज्ञ से जो पंचांग बने हैं उनकी गणित बिल्कुल सामंजस्य के साथ एक जगह बैठती है और इसमें यह सिद्ध होता है कि 1 नवंबर को अमावस्या बिल्कुल सही आ रही है और प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का पूजन होना चाहिए। इसीलिए चाहे से वह कहीं का भी पंचांग हो और कितने भी हो, बल्कि भारत के 90% पंचांग यह मत रखते हैं कि 1 नवंबर को ही दीपावली मनानी चाहिए। इसमें चाहे से कोई भी विद्वान अपनी राय रखे या नहीं रखे, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि केवल धर्मशास्त्र इसका निर्णय करते हैं और धर्मशास्त्र का निर्णय है कि 1 नवंबर को यह दीपावली आ रही है और हमें इसको मनाना चाहिए। जिस भोजरात पंचांग की आपने चर्चा की है, वह भोजरात पंचांग भारतीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पंचांग है और एक वर्ष पहले ही उसकी गणित हो जाती है। बल्कि हमारे यहाँ पर जो शताब्दी पंचांग है उसकी गणित भी 100 साल में एक बार ही होती है। उन सभी पंचांगों में 1 नवंबर की दीपावली सिद्ध हो रही है, इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है और कोई भी ऐसा सस्पेंस नहीं है, कोई समस्या नहीं है कि दीपावली कब मनाई जाए। सीधा सा निर्णय है कि 1 नवंबर को दीपावली हमें मनानी चाहिए जी। तो एक और सवाल मेरे जहन में निकल के आ रहा है पंडित जी कि जो अमावस्या है वो प्रदोष के बाद, जैसे कि 31 अक्टूबर को भी अमावस्या की रात्रि है और जो दिवाली जो है वो अमावस्या की रात्रि को मनाई जा रही है। हाँ बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है, लेकिन इसमें धर्मशास्त्र का निर्णय यह है कि अभी मैंने बीच में पहले ही कहा था, दंडैक रजनी योग है हमारे यहाँ पर, लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काले लक्ष्मीम संपूजयेत, शास्त्र की ये पंक्ति है, प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए जी। और प्रदोष काल में हमारे यहाँ देशी भाषा में भी हम सभी जानते हैं कि संध्या के समय हम दीपक जलाते हैं भगवान के आगे, संध्या के समय दीप प्रज्वलन करना चाहिए। अमावस्या की रात्रि की शुरुआत प्रदोष काल में होती है और प्रदोष काल में ही लक्ष्मी पूजन का विधान है, न कि रात्रि काल में। रात्रि काल में केवल शास्त्र और पद्म पुराण या ब्रह्म पुराण में लिखा है कि लक्ष्मी अर्धरात्रि में भ्रमण करती है और वो लोगों को देखती है, घरों को देखती है कि कितने सुसज्जित है। यह एक व्यक्तिगत मसला है कि आप रात्रि में बैठ करके पूजन करते हैं या भगवती के पाठ करते हैं, लेकिन शास्त्र का कहना है कि प्रदोष के समय में ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। बाकी आप किसी भी काल में लक्ष्मी जी का स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत है और हमारा शास्त्र समष्टिगत निर्णय करता है, व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं करता है। इसलिए प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का विधान है और प्रदोष काल में लिखा है कि अगर 2 समय अमावस्या में प्रदोष काल आ जाए तो परान्विता, अमावस्या परान्विता, पर वाली मतलब बाद वाली अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए और यह प्रदोष के समय भी है। इसलिए सभी ज्योतिषीय गणना, धर्मशास्त्र और निर्णय करने वाले जितने भी पंचांग है वह यही सिद्ध करते हैं कि पिछले वाली दीपावली मतलब 1 नवंबर को जो अमावस्या है यही दीपावली की रात्रि है, इसी दिन हमें भगवती लक्ष्मी का संपूजन और अर्चन करना चाहिए जी। तो ये थे हमारे साथ पंडित दिनेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि जो दीपावली की जो तारीख है वो 1 नवंबर है, क्योंकि प्रदोष के समय ही दीपावली की पूजा और दीपावली मनानी चाहिए। और आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया, मैं हूं आपके साथ अभिजीत शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।